हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चैनल पे। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त पवन ठाकुर और आप देख रहे हैं चैनल करंट न्यूज जॉब्स। जैसा कि वीडियो के थंबनेल में आपने देख लिया है, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ इस सप्ताह सरकारी विभागों में रिक्त पड़े पदों के लिए जो आवेदन आमंत्रित किए गए हैं उसके बारे में जानकारी। अगर आपने पिछले सप्ताह का वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में दिया गया है, आप इस पर प्रेस करके पिछले सप्ताह का वीडियो देख के रिक्त पड़े पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह का लाल सब्सक्राइब बटन नीचे दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको हर सप्ताह जो नई वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन इजीली आपके मोबाइल में आपको मिल जाए। अगर आपका इस चैनल के बारे में कोई भी सुझाव है तो आप अपने बहुमूल्य सुझाव हमें इस फेसबुक आईडी के माध्यम से भेज सकते हैं। आपके जो भी सुझाव हमारे पास आएंगे हम उन्हें अपने वीडियो और चैनल में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो ज्यादा देर न करते हुए चलिए देखते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो के बाद। विभाग का नाम है कर्नाटका पब्लिक सर्विस कमीशन। पदों का विवरण और पदों की कुल संख्या है, जूनियर इंजीनियर सिविल के 166 पद, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के 3 पदों हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता, उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से डिप्लोमा सिविल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में रखता हो। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाएंगे। पदों के लिए आयु सीमा, उम्मीदवार की न्यूनतम आयु को इन पदों के लिए 18 वर्ष और अधिकतम आयु को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के लिए 40 वर्ष और अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 35 वर्ष निर्धारित किया गया है। आरक्षित वर्ग से संबंध रखने वाले उम्मीदवारों को आयु सीमा में नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी। पदों के लिए आवेदन शुल्क, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और विकलांग उम्मीदवारों को ₹35 आवेदन शुल्क देना होगा। भूतपूर्व सैनिकों को ₹85 और सामान्य वर्ग से संबंध रखने वाले उम्मीदवारों के लिए ₹635 आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है। इन पदों के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन उम्मीदवार को ऑनलाइन करना होगा। पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 19 अक्टूबर 2022 से प्रारंभ होंगे और आवेदन की अंतिम तिथि 17 नवंबर 2022 निर्धारित की गई है। पदों के लिए जो लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाना है उसकी तिथि को बाद में उम्मीदवारों को सूचित किया जाएगा। इन पदों के लिए वेतनमान, उम्मीदवार को पद के अनुसार अच्छा मासिक वेतनमान दिया जाएगा। विज्ञापन के संबंध में संपूर्ण जानकारी हेतु उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर इस विज्ञापन के बारे में संपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन की PDF फाइल का लिंक दे दिया गया है। विभाग का नाम है डायरेक्टरेट ऑफ प्रिजंस एंड करेक्शनल सर्विस ओडिशा। पदों का विवरण है, जेल वार्डन के पदों हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पदों की कुल संख्या है 403। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता, उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से हायर सीनियर सेकेंडरी पास होना चाहिए और उम्मीदवार कंप्यूटर के क्षेत्र में और IT स्किल को रखता हो। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाएंगे। पदों के लिए आयु सीमा, उम्मीदवार ने न्यूनतम 21 वर्ष की आयु को पूर्ण कर लिया हो और अधिकतम आयु को इन पदों के लिए 25 वर्ष निर्धारित किया गया है। आरक्षित वर्ग से संबंध रखने वाले उम्मीदवारों को आयु सीमा में नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी। इन पदों के लिए उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। पदों के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन उम्मीदवार को ऑनलाइन करना होगा। आवेदन इन पदों के लिए 14 अक्टूबर 2022 से प्रारंभ होंगे और आवेदन की अंतिम तिथि 13 नवंबर 2022 निर्धारित की गई है। पदों के लिए वेतनमान, उम्मीदवार को बेसिक ₹19,900 मासिक वेतनमान के तहत उम्मीदवार को दिया जाएगा। इन पदों के लिए जो लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाना है उसकी तिथि को उम्मीदवार को बाद में सूचित किया जाएगा। विज्ञापन के संबंध में संपूर्ण जानकारी हेतु उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर इस विज्ञापन के बारे में संपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन की PDF फाइल का लिंक दे दिया गया है।
विभाग का नाम है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। विज्ञापन संख्या है 1/2022। पदों का विवरण और पदों की कुल संख्या है, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर का एक पद, सीनियर कंसल्टेंट फाइनेंस का एक पद, कंसल्टेंट रिस्क मैनेजमेंट का एक पद, कंसल्टेंट टैक्सेशन का एक पद, कंसल्टेंट मार्केट बोरोइंग का एक पद, कंसल्टेंट बैंकिंग रेगुलाइजेशन का एक पद, कंसल्टेंट एग्री फाइनेंस का एक पद, कंसल्टेंट कोऑपरेटिव टैक्सेशन का एक पद, कंसल्टेंट मार्केटिंग का एक पद, यंग प्रोफेशनल ग्रेड 2 फाइनेंस के 4 पद, यंग प्रोफेशनल ग्रेड 1 मीडिया कम्युनिकेशन के 2 पद, यंग प्रोफेशनल ग्रेड 1 मार्केटिंग के 31 पद, यंग प्रोफेशनल ग्रेड 2 फाइनेंस के 6 पदों हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता को पद के अनुसार निर्धारित किया गया है। उम्मीदवार जो इस कॉलम में दर्शाई गई किसी भी शैक्षणिक योग्यता को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से संबंधित विषयों में पूर्ण करते हों वो इन पदों के लिए पद के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। ये पद सीधी भर्ती के तहत अनुबंध के आधार पर भरे जाने हैं। पदों के लिए आयु सीमा, उम्मीदवार की अधिकतम आयु को इन पदों के लिए पद के अनुसार 32, 35, 45, 52 और 55 वर्ष निर्धारित किया गया है। आरक्षित वर्ग से संबंध रखने वाले उम्मीदवारों को आयु सीमा में नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी। इन पदों के लिए उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। पदों के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन उम्मीदवार को ऑफलाइन करना होगा। पदों के लिए ऑफलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2022 निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए जो लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाना है उसकी तिथि को उम्मीदवार को बाद में सूचित किया जाएगा। पदों के लिए पद के अनुसार अच्छा मासिक वेतनमान दिया जाएगा। विज्ञापन के संबंध में पूर्ण जानकारी हेतु उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर इस विज्ञापन के बारे में संपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन की PDF फाइल का लिंक दे दिया गया है। विभाग का नाम है उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। पदों का विवरण और पदों की कुल संख्या है, पटवारी के 391 पद और लेखपाल के 172 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता को पद के अनुसार निर्धारित किया गया है। उम्मीदवार जो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से स्नातक पास हो वो उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाएंगे। पदों के लिए आयु सीमा, उम्मीदवार ने न्यूनतम आयु को 21 वर्ष को पूर्ण कर लिया हो। अधिकतम आयु पटवारी पद हेतु 28 वर्ष और लेखपाल पद हेतु 35 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्ग से संबंध रखने वाले उम्मीदवारों को आयु सीमा में नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी। पदों के लिए आवेदन शुल्क को वर्ग के अनुसार उम्मीदवार को देना होगा। पदों के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन उम्मीदवार को ऑनलाइन करना होगा। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 14 अक्टूबर 2022 से प्रारंभ होंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 4 नवंबर 2022 निर्धारित की गई है। पदों के लिए जो लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाना है उसकी तिथि को उम्मीदवार को बाद में सूचित किया जाएगा। इन पदों के लिए वेतनमान उम्मीदवार को पे मैट्रिक्स स्तर 5 अर्थात रुपये बेसिक 29,200 मासिक वेतनमान दिया जाएगा। विज्ञापन के संबंध में संपूर्ण जानकारी हेतु उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर इस विज्ञापन के बारे में संपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन की PDF फाइल का लिंक दे दिया गया है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और वीडियो के बारे में कमेंट करना। नीचे कमेंट बॉक्स दिया गया है, आप इसमें अपना कमेंट टाइप कर सकते हैं। अगर आपका वीडियो के संदर्भ में कोई भी किसी तरह की आशंका है तो आप अपने मैसेज भी हमें भेज सकते हैं। ये फेसबुक आईडी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप हमें मैसेज कीजिए, आपके जो भी मैसेज हमारे पास आएंगे हम उसका उत्तर आपको जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। अंत में इस वीडियो को देखने के लिए और चैनल को ढेरों सारा प्यार देने के लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग इसी तरह से चैनल को देखते रहिए और दूसरों के साथ में वीडियोज़ को शेयर करते रहिए। उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट सप्ताह एक नई वीडियो के साथ मुझे आप लोगों से फिर से रूबरू होने का मौका मिलेगा। तब तक के लिए आप लोग जहाँ भी है खुश रहिए,
सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।